मोदी की गारंटी है जिससे गरीबी मिट रही है, मोदी की गारंटी मुफ्त अनाज की, मोदी की गारंटी आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की, मोदी की गारंटी राफेल खरीदने की, मोदी की गारंटी कि अगर जरूरत पड़ता सर्जिकल स्ट्राइक करने की, मोदी की गारंटी मतलब भव्य मंदिर का निर्माण, मोदी की गारंटी मतलब 370 धारा को समाप्त करना। उनके दो दो बेटे हैं, दो दो बेटियां हैं, खुद रहे हैं, माननीय राबड़ी जी रही हैं, और न जाने कौन कौन जो जो चाहे सब उनको, उनकी तो परिवार की पार्टी है। जनता मोदी जी से जुड़ती है, इस देशवासियों के मन में मोदी जी हैं और 140 करोड़ देशवासी मोदी जी के मन में हैं। जहां भ्रष्टाचार के लिए, तुष्टिकरण के लिए ही राजनीति होगी, परिवार के लिए ही राजनीति होगी, वहां तो यही होगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहां गिरा कोई वहां गिरे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी की गारंटी मतलब चाइनीज की गारंटी है। अब इसको लेकर के जब सवाल किया गया केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से, तो वो तेजस्वी यादव पे खूब भड़कते हुए नजर आए, साथ ही साथ वो मोदी की इतनी गारंटी गिनाए कि सुनते सुनते जो है कान थक जाएगा। वहीं पर जिस तरीका से तेजस्वी यादव ने मोदी को लेकर के जो गाना गाया था गोविंदा का, उन्होंने कहा है कि देखिए मोदी जी जब जनता रूठ जाएगी तो आप जो है हाथ मलते रह जाओगे, इसको लेकर के भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुने। लोकतंत्र के हत्यारे लोग क्या बोले हैं कि लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान का मतलब समझते हैं, लोकतंत्र का मतलब समझते हैं, वहाँ सिर्फ परिवारवाद है और परिवार बाद और तुष्टिकरण करने वाले लोग और इमरजेंसी देश में लगाने वाले लोग और बिहार में या अन्य किसी भी राज्य में जो महागठबंधन के लोग हैं उनके घोटाले को, उनके भ्रष्टाचार को, उनके भाई भतीजावाद को, परिवारवाद को और तुष्टिकरण को जब आप देखेंगे तो ये लोग क्या बोलेंगे। जनता सब समझती है कि इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है और लोकतंत्र के सही पुजारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके नेतृत्व में विकास की गंगा इस देश के गांव गांव घर घर कोने कोने पहुंच रही है और आज लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है, इन लोग को न संविधान समझ में आता है न लोकतंत्र समझ में आता है, ये लोग संविधान की धजिया उड़ाते हैं और लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। मोदी की गारंटी मतलब इस देश से 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर लोग आ गए, मोदी की गारंटी है जिससे गरीबी मिट रही है, मोदी की गारंटी मुफ्त अनाज की, मोदी की गारंटी आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की, गरीबों की इलाज की 5 लाख तक, मोदी की गारंटी किसानों को सही MSP पर खरीदगी की गारंटी, मोदी की गारंटी आत्म भारत निर्भर की गारंटी, मोदी की गारंटी रोजगार देने की गारंटी, मोदी की गारंटी सीमा की सुरक्षा की गारंटी, देश में शांति व्यवस्था की गारंटी, मोदी की गारंटी अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और उसको ऊंचाई देने की गारंटी। उनके पास क्या गारंटी, उनके पास तो भ्रष्टाचार की गारंटी है इंडियन गठबंधन वाले के पास, उनके पास तो लोकतंत्र की हत्या करने की गारंटी है, अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार कर अरबों खरबों रुपया गरीबों के हक की मारी कर लूट लेने की है, उनके पास क्या है। लालू प्रसाद यादव जो है अपनी मोदी की गारंटी गरीबों का घर देने की, मोदी की गारंटी इज्जत घर बनाने की, मोदी की गारंटी हर गांव गांव बिजली पहुंचाने की, सड़क बनाने की, और मोदी की गारंटी अच्छा रेलवे स्टेशन बनाने की, मोदी की गारंटी राफेल खरीदने की, मोदी की गारंटी कि अगर जरूरत पड़ता सर्जिकल स्ट्राइक करने की, मोदी की गारंटी मतलब भव्य मंदिर का निर्माण, मोदी की गारंटी मतलब 370 धारा को समाप्त करना, मोदी की गारंटी यह है कि इस देश के लिए और इस देशवासियों के लिए जिस जिस चीज़ की जरूरत पड़ी उसको करने की गारंटी। लालू प्रसाद यादव अपनी दोनों बेटी को लोग समझ नहीं है उतार रहे हैं, तिवारी और लालू प्रसाद यादव अपनी दोनों बेटी को मैदान में उतार रहे हैं, चुनावी मैदान। देखिए वो परिवारवाद की पार्टी है और आप देखे होंगे कि दो ही नहीं उनके परिवार के कई सदस्य लग हैं, उनके दो दो बेटे हैं, दो दो बेटियाँ हैं, खुद रहे हैं, माननीय राबड़ी जी रही हैं, और न जाने कौन कौन जो जो चाहे सब उनको, उनकी तो परिवार की
पार्टी ही है, परिवारवादी पार्टी है, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। वो तो परिवार के लिए ही राजनीति करते हैं और परिवार के लिए ही जीते हैं। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं जनता जब रूठ जाएगी तो मोदी जी हाथ मलते रह जाओगे। जनता मोदी जी से जुड़ती है, इस देशवासियों के मन में मोदी जी हैं और 140 करोड़ देशवासी मोदी जी के मन में हैं। ये लोग इकट्ठे होकर भ्रष्टाचारी लोग परिवारवादी क्या करेंगे, जनता इकट्ठी होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 पार करने वाले। अरे जहां स्वार्थ की राजनीति होगी, जहां भ्रष्टाचार के लिए तुष्टीकरण के लिए ही राजनीति होगी, परिवार के लिए ही राजनीति होगी, वहाँ तो यही होगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहाँ गिरा कोई वहाँ गिरे। तो आपने साफ तौर पर सुना उनका कहना है कि देखिए मोदी की गारंटी है, मतलब सारी चीज़ की गारंटी है, रोजगार की गारंटी हो या मकान बनने की गारंटी हो या जो गरीब गुरबों को अनाज मिल रहा है उसकी गारंटी हो, वहीं पे हाथ मलते रह जाओगे। इसको लेकर के कहा है कि फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, वहीं लालू प्रसाद यादव इस बार अपनी दो बेटी को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए यह तो परिवारवाद की पार्टी है ही, इसलिए अब जो है राबड़ी खुद तेजस्वी के बाद देखिए उनके परिवार के जो लोग उतर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि पता नहीं कौन कौन उनके परिवार के लोग होंगे आने वाले दिनों में, वो भी चुनावी मैदान में होंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।